तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ सुनील जी से। ये सुनील जी हैं और इन्होंने मुझसे आज से दो तीन महीने पहले मोबाइल फोन रिपेयरिंग का ट्रेनिंग लिया था, मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स सीखा था। आज संडे का दिन था और इससे पहले दो तीन वीडियो में मैंने आप लोगों को मैंने जिक्र भी किया था कि हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्राइडे को मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान की ओपनिंग करी थी। आज संडे था तो मैं फ्री रहता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट की दुकान में जाता हूँ, स्टूडेंट से मिलने के लिए जाता हूँ ताकि लोग कैसे अपनी दुकान चला रहे हैं, कैसे मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप को रन कर रहे हैं। अगर उनको रन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो जो मेरी तरफ से गाइडेंस होता है, उनको सजेशन मिलता है कि आपको कैसे काम करना है, इन फ्यूचर आपको कैसे काम करना है और लंबे समय तक आपको कैसे काम करते रहना है। तो इन्होंने दुकान का अपना सेटअप किया हुआ है, आज इनका पहला स्टार्टअप सेटअप है। हम सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि पहले आप स्टार्टिंग करिए, फिर आप अपने एरिया में देखिए जैसे जैसे आपके एरिया में जरूरत बढ़ती है, मार्केट की डिमांड बढ़ती है, उस हिसाब से हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग की जब भी दुकान स्टार्टअप करते हैं तो दो तरीके करते हैं। पहले हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग मार्केट की जरूरत को देखते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से दुकान को सेटअप करते हैं ताकि हम लोग मार्केट की स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर सकें और हमको ये भी समझ में आ सके कि हमको किन किन चीज़ों की जरूरत रहती है। तो इन्होंने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कंप्लीट काम सीखा। ये देखिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, यहाँ पर पूरा रिपेयरिंग का सामान है, पूरा सेटअप है। इसमें से बहुत सारा सेटअप अभी धीरे धीरे इनका बनना है, पूरा धीरे धीरे सारी चीज़ों को लेकर के। और शॉप पर जैसे इन्वर्टर है, लाइट है, अभी दो तीन दिन में स्टार्टअप में अपना सारा काम कर रहे हैं। इनकी जो शॉप पड़ती है वो इनके गांव से 2-3 किलोमीटर पास में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना पूरा सेटअप किया हुआ है। तो सुनील जी आप बताएं ताकि हमारे पास और भी जो स्टूडेंट है जो लोग सीखने आना चाहते हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जो सीख रहे हैं, ताकि उनको ये पता चले कि सर सपोर्ट के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि हमको हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता, ये थोड़ा सा बताइए। पूरा सपोर्ट है, लाइफ टाइम सपोर्ट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है सर के पास रहते हैं, घुमाते हैं सर, और आने भी चलिए अगर कोई प्रॉब्लम आई तो सर के पास। तो कितना टाइम हो गया आपको कोर्स सीखे हुए? हो गया 3 महीने, लगे लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीना हो गया, 3 महीने इनको कोर्स सीखा हुआ हो गया, 3 महीने इन्होंने प्रैक्टिस किया, अपने घर पे काम किया और फिर इन्होंने प्रॉपर सेटअप किया। अपने दुकान खोलने में तुमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना पैसा लगाया? मैंने साठ सत्तर हज़ार रुपये। ये मान लो लैपटॉप प्रिंटर सब कुछ लगा करके 60-70 हज़ार रुपये इन्होंने पूरा सिस्टम में पैसा लगा दिया। और इनका अभी और एम है कि मतलब जैसे ही थोड़ा सा होगा तो 10-15 दिन बाद और भी बहुत सारा सामान है, जैसे मोबाइल फ़ोन है और भी एसेसरीज है या और भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के सेटअप बनाना है। ये इनकी जो शॉप पड़ती है ये सचेंडी थाना के नज़दीक है, जो सचेंडी थाना जस्ट पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सचेंडी थाना की दीवार दिखती है, तो जस्ट उसी के सामने इनकी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप है। अगर आप देखेंगे रोड से देखेंगे तो रोड से जस्ट दूर से नहीं, रोड दिखाइए सर, यहाँ से रोड आपको जमीन को दिखता है, ये रोड की कनेक्टिविटी है भैया, ये रोड की कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर जस्ट इनके पास में मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप है और इन्होंने अपना पूरा सेटअप बनाया है, इस तरीके से अपना सेटअप कार्य किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ से इनको बहुत सारे विशेष हैं, अच्छी तरीके से काम करें। या और भी जो स्टूडेंट हैं जो लोग काम करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो स्टार्ट करिए। देखो हर एक कोई भी बड़े काम की जो शुरुआत होती है छोटी सी होती है, लेकिन धीरे 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 करके विशाल रूप ले लेता है। कहते हैं एक पर्वत को बनने के लिए भी जब बहुत सारी मिट्टी एक साथ इकट्ठा हो जाती है तो पर्वत बन जाती है, लेकिन वो तभी होता है धीरे धीरे करके। तो आप इस चीज़ पर लगातार मेहनत करते रहिए, आप अपना एडवर्टाइजमेंट करिए, लोगों से जुड़िए, जिस गांव से जुड़े हैं पहले उस गांव को जुड़िए और आसपास के जितने भी छोटे छोटे दुकान हैं वहाँ पर जाइए, छोटे छोटे बैनर हैं, स्टीकर हैं, या जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस पर जो भी आप जो डेली का डेली काम करते हैं उसका आप वीडियो बनाइए, फोटो खींचिए, उसका रील बनाइए, दिन पर दिन आप अपलोड करिए ताकि आपके जो दोस्त जानने वाले हैं, आपको जो फ्रेंड जानने वाले हैं या आपको जो रिलेटिव जानने वाले हैं, सब लोग मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं। अगर आज देखा जाए तो हर एक आदमी से 10,000 आदमी कनेक्ट है। अगर 10,000 रोज वीडियो बना के डालता है कि ये वाला हेडफोन है, ये वाला डाटा केबल है, ये चार्जर है, ये मोबाइल फोन है, आज मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर हमने चेंज किया, कस्टमर के साथ में अपना वीडियो बना के डालता है, तो जितने भी सारे लोग होते हैं वो भी देखते हैं, यार ये मेरा सुनील देखो भाई ये कुछ नहीं करता था, आज अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप चला रहा है, तो मेरा मोबाइल फोन खराब हो गया तो इसी से जाके बनवा लेता हूँ, तो वो आपके पास आएंगे, आपसे मोबाइल फोन बनवाएंगे, जब आपको मोबाइल फोन बनवाएंगे तो आपको पैसा देंगे। तो जाहिर सी बात है, कहते हैं काम बिकता तभी जब दिखता है, जब दिखता है तभी बिकता है, तो इसलिए आपका दिखना बहुत जरूरी है।
तो मेरी तरफ से है आपको दुकान में 5 काम जरूर करने हैं डेली। सबसे पहली बात, आपको अपनी दुकान को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है, पहली चीज। दूसरा चीज, आपको रोज शॉप को डेली टाइम ओपन करना है, जो आपने टाइम निर्धारित किया। अगर आपने 9 बजे का निर्धारित किया तो 9 बजे खोलना है, और शाम को 8 बजे शाम को 8 बजे ही बंद करना है। कभी भी छुट्टी नहीं करना है, नाना नहीं करना है, डेली आपको आना है। समझ लीजिए, जैसे आप ड्यूटी करने जाते हैं, कहीं सर्विस करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, इस तरीके से आपको काम करना है। तीसरी चीज क्या, उस बीच में आपको किसी दिन जब आप फ्री होते हो तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे का समय निकाल करके आपको अपने आसपास मार्केटिंग करनी है। जितनी सारी दुकान है, परचून की दुकान है, और भी दुकान है, उन दुकानों में जाना है, अपना कोई बैनर स्टिकर लगाना है, या लोगों से मिलना है, अपना विजिटिंग कार्ड देना है, और अपने बारे में बताना कि मेरी मोबाइल फोन की शॉप है, कोई भी काम हो तो हमारे पास आना है। ये आपको चौथा काम आपको डेली करना है। पांचवा काम, आपके दुकान में कोई भी सामान कम है, कोई चीज़ नहीं, कोई कस्टमर ने मांगा ये वाला हमको जाने के लिए चाहिए, मेमोरी कार्ड चाहिए, ये हमको चीज़ चाहिए, अगर ऐसा चीज़ आपके पास नहीं होता तो एक लिस्ट बना के रखो कि भाई उसका ये सामान है, उसको लिख लो, ताकि जब आप मार्केट जाओगे तो वहाँ पर वो खरीद करके लाओगे। ठीक है, ये 5 चीज़ें आपको हमेशा फॉलो करके रखना है। ये मूल मंत्र है जो मैंने आपको दिया है, जो मेरे जितने सारे स्टूडेंट लोग सीख गए हैं आज वो फॉलो कर रहे हैं। और आपको एक रजिस्टर बनाना है। क्या करना है? ऐसा रजिस्टर बनाना है। उस रजिस्टर में आपको क्या करना, लाइनिंग खींचना है। ये लाइनिंग खींचना है कि भाई ये मोबाइल फ़ोन दे गए थे, इस मोबाइल फ़ोन में ये काम करना है, इसका ये पैसा लगेगा, ये सब उसको करके जमा कर लेना है। और जब वो मोबाइल फ़ोन ले जाए तो उसको काट करके उसको दे देना है, बने तो देना, न बने तो देना। ठीक है, दूसरी बात है, किसी कस्टमर का मोबाइल फ़ोन का सामान इधर उधर नहीं करना, जैसा खोलना पैक करना वैसे बना करके देना है। ठीक है, ताकि कोई फोन ना बने तो उसको से उसको निगेटिविटी ना समझ में आए। दूसरी बात क्या है कि कोई भी मोबाइल फ़ोन जब बना के देंगे तो आप अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवाएं, ऐसा जिसमें आपका फोटो हो, आपका नाम हो, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर हो, और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में पूरा लिखा होना चाहिए, और यहाँ पर ब्लैंक हो। अगर ब्लैंक होता है तो आप लिख दें, नहीं तो नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट, फ़ोन नंबर आप उसको भी मैनेज करवा लें, उसी में साइन करके दे दें कि भैया ये दो आपका मोबाइल फ़ोन जमा है, इसमें 300 रुपये खर्चा लगेगा, कोई दिक्कत आएगी तो हम बताएंगे, उसका नंबर भी आप ले लें, ताकि अगर मान लिया आप उसने बताया कि इसमें काम्बो 600 रुपये पड़ेगा, हो सकता है मार्केट में काम्बो जब आप लेने जाए तो वो 650 रुपये के मिले, आपको भी 2 रुपये नहीं बच रहा, आप बना के भी नहीं दे रहे हो, तो आप उस कस्टमर को फ़ोन करके बता दें भैया इसमें 100-150 रुपये और लगेगा, अब आपका बनेगा। अगर उसकी हिम्मत होगी तो आपसे फ़ोन करके बोल देगा, वरना 2-3 दिन बाद आए फिर आप बताओ आओ जाओ तो वो भी परेशान होगा, आप भी परेशान होगा। इसलिए आप स्मार्ट काम करें, ऐसा काम करें कि वो भी संतुष्ट रहे और आप भी अच्छी तरीके से काम करें, और आप अपना जो भी रिपेयरिंग का काम करें कि मिनिमम मार्जिन का काम करें, मतलब ऐसा काम करें कि मतलब कस्टमर संतुष्ट होकर ले जाए, अच्छी तरीके से जाए, उसको कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारा सर्विस का काम है, सर्विस का काम जितना बेहतर और अच्छी तरीके से करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आज इतना ही, हम लोग सुनील के यहाँ पर आए थे, और सुनील जी आप ऐसे ही काम करें, आगे बढ़ें, मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष हैं और भी स्टूडेंट के लिए है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग को ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ईटेक स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के कोर्स को सीख सकते हैं। थैंक यू।